और इस वक्त आप मेरे सामने ये जो हथियार देख रहे हैं ये समर मिसाइल सिस्टम है, समर मिसाइल सिस्टम जिसे स्वदेशी रूप से तैयार किया गया है। यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं समर मिसाइल सिस्टम जो कि भारतीय वायुसेना की रक्षा क्षमति को और दुश्मन पर आघात पहुंचाने वाली शक्ति को बढ़ावा देती है। तरंग एक्सरसाइज में इसको डिस्प्ले में लगाया गया है। ये एयर डिफेंस सिस्टम लद्दाख में सीमा के नज़दीक तैनात किया गया है। इस मिसाइल सिस्टम को पिछले साल दिसंबर में ही सेना में शामिल किया गया है। असल में समर एयर डिफेंस सिस्टम हवा से हवा में मार करने वाली पुरानी रूसी मिसाइल R-73 और R-27 है और भारत ने पुरानी रूसी मिसाइल को ही बना डाला ऐसा अग्निबाण जो जिसकी जद में आते ही उड़ जाएगा पाकिस्तान और चीन। यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं ये बेहद घातक हथियार है। ये मिसाइल एक्सपायर होने वाली थी लेकिन तब भारतीय वायुसेना ने इन्हें मॉडिफाई करके एक एयर डिफेंस सिस्टम बना दिया और कुछ महीनों पहले ही पोखरण में वायु शक्ति युद्धाभ्यास में भी इसका इस्तेमाल किया गया था और तरंग शक्ति एक्सरसाइज में भी इसे स्टैटिक डिस्प्ले में लगाया गया है। समर मिसाइल एक ट्रक से लॉन्च की जाती है। ये 2982 किलोमीटर आवर की स्पीड से किसी भी हवाई टारगेट को हिट कर सकती है, यानी दुश्मन को बचने का मौका नहीं मिलता। समर का पूरा नाम है सरफेस टू एयर मिसाइल फॉर एसियो रेडिटेशनल सिस्टम, यानी कि ये एक ऐसा सिस्टम है जो कि दुश्मन पर आघात पहुंचाता है। इस सिस्टम का संचालन वायुसेना की BRD यूनिट करती है और ये सभी तरह के जो दुश्मन को अगर अटैक करने वाली कोई भी मौका हो तो वहाँ पर ये काम कर सकता है। और ये एक ऐसा मिसाइल सिस्टम है जो कि जो रूसी हथियार जो कि पुराने हो चले थे R-73, और इसके अलावा यहाँ पर मैं आपको बता दूँ R-73 और इसके अलावा R-27 को अपग्रेड करके इसे बनाया गया है और डिज़ाइन किया गया है और ये हमारी भारतीय वायुसेना की मारक क्षमता में बेहद इजाफा करने में उपयोगी है। वीडियो जर्नलिस्ट निरंजन दास के साथ अंजू निर्वाण, TV9 भारतवर्ष, जोधपुर।